सबकी जो है वो परफॉर्मेंसेस है, मुझे ये सब करना पड़ा है, बहुत लेट है। जल्दी आए कल है। यार लक्कर भी आप इतना अकड़े हुए क्यों खड़े हुए? है कुछ बाहर का मंजर और इसी के साथ होती है हमारी गुड मॉर्निंग। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अबिका काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इवेंट होने जा रहा है शहर के। सो गाइज, आप लोगों को जैसे कि पता है कि शहर की शादी चल रही है एंड उसके लिए स्पेशली हम लोग कराची से आए हैं फैसलाबाद और यहाँ पे इवेंट तरतीब से चल रहे हैं। कल में भी एक गैप हो तो उसमें डोंट वरी, आप लोग के लिए गैप नहीं होगा, आप लोग के लिए एक नया मस्त व्लॉग आएगा। लेकिन आज का जो सीन है वो मैं आप लोग को बताती चलूँ। आज है ग्रैंड मेहंदी और मेहंदी का इवेंट एक वाहिद इवेंट होता है जिसमें बहुत मजा आता है, मतलब एक होता है मजा, एक होता है बहुत 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 मजा। तो ये वो इवेंट होने जा रहा है, तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं, सबकी जो है वो परफॉर्मेंसेस हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बड़ा मजा आता है सबको ऐसे डांस करते हुए, सबके नए नए स्टेप, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी उसके लिए हम लोग उठ चुके हैं, जल्दी से मेकअप वगैरह होगा, देन उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। लेट्स सी कि आज के दिन हम लोग जल्दी पहुंच पाते हैं क्या नहीं, क्योंकि कल हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे, वो तो आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा। इतना लेट थे कि हम लोग जैसे ही एंटर हुए वैसे ही खाना खुला हुआ था। आई विश कि आज ऐसा ना हो, सो होप फॉर द बेस्ट। जल्दी से चलते हैं तैयार होने। सारा मेकअप जो है वो सेट हुआ हुआ है और यहाँ जो है वो मिरर भी सेट हो गया है। सो अभी सबसे पहले मेरा मेकअप स्टार्ट होगा। तो गाइस बेसिकली मैंने एक रील बनाई है जिसका बिफोर पार्ट में मुझे ये सब करना पड़ा है, तो अब इसको ये छुटा रही हैं। फाइनली मेरा मेकअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी जस्ट मेरी स्किन जो है वो प्रेप हुई है, अब जो है वो कंसीलर वगैरह सारा प्रोसेस होगा। आज तो मेरी आंखों ने बड़ा तंग कर दिया है बिकॉज पानी आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। ओ गॉड, मुझे फ्लू भी हो गया, बहुत गंदा वाला। तो गाइज माई मेकअप इज डन और अब बाकी सबका मेकअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ रात की जड़ में नाश्ता का। मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा है, किसी को मेरा 1% ख्याल नहीं है और किसी में आते हैं ये जनाब, 1% जो बंदा पूछ लेता है ना, नहीं बड़ा पेट भर लिया। बस मैं जब भी कुछ बोलता नहीं हूँ, मतलब लोगों को भी पता है ये बात। वेरी फनी, मैं जस्टिफिकेशन में क्लेरिफिकेशन नहीं करता। बस नबीर भाई आप और साइड ले लो। गंदे शीशे के साथ तो यहाँ पे मेरी हो रही है हेयर स्टाइलिंग बड़ी ही मुशक्कत से, बड़ा ही टाइम लगा बिकॉज काफ़ी मुश्किल हेयर स्टाइलिंग थी। सो लेट्स सी कैसा ओवरऑल लुक आता है। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। सो अब मैं थोड़ी रेडी हो चुकी हूँ और मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा था बिकॉज बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी और यहाँ पे बहुत हपड़ा धपड़ी मची हुई है, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है बिकॉज हम लोग ऑलरेडी कल की तरह लेट है। हमने सोचा था कि हम लोग जल्दी चले जाएंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ही टाइम हो गया, क्या कह सकते हैं। लाली भी फुल रेडी है, ओ हो खड़े हुए उनके साथ ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहद हसीन लग रहे हैं। आई होप कि हम वहाँ जाएँ तो हमें ये ना कहा जाए कि आप लोग बहुत लेट हैं। वो ये ना बोले अरे आप जल्दी आ रहे हैं, इवेंट कल है। हाँ खत्म हो गया, बस घर जाएंगे ऐसा ना। थोड़ा क्लोज। तो गाइज अब फाइनली हम लोग निकलने लगे हैं और जनाब मैं मदीहा और मेरी मामा हम लोग चार लड़कियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं सलोन से और लिटरली आप यकीन नहीं करोगे हम लोग 4 बजे से बैठे हुए हैं। हेयर स्टाइलिंग को समझ नहीं आ रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई। फिर ऊपर से मैंने ड्रेस की जिप जो थी वो पूरी टूटी हुई थी, डैमेज थी, फिर उसको मैंने सुई धागे से सिलवाया, इसलिए ज़्यादा लेट हुआ, मतलब इतने ज़्यादा मिसहैप्स हो रहे थे। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, आज मेहंदी का इवेंट लेट नाइट तक चलेगा। सो जल्दी से चलते हैं वेन्यू पर। सो फाइनली हम लोग वेन्यू पर पहुँच चुके हैं इतनी देर में और आज गाड़ी में सब अलग अलग है, लाली लोग अलग अलग है, मम्मा हमारे साथ हैं आज, ओ हो और हुसैन है मेरे साथ। तो जल्दी से चलते हैं। गॉड ओ माय गॉड, बहुत रश है। Head northwest, then turn right. Here we are. Let's go. Is it Chennai Express? Wow, what a beautiful setup. Mama, lag rahi hai sardi aapko? Haan, bahut hi zyada. Abhi dekhe aapko yakeen nahi aayega. Itni sardi thi Bollywood 9 se double. Oye, oye. Halat kharab thi hamari. Chalein. Yaar
तो हमें यहाँ से ज्यादा अच्छा नजर आएगा। लगती है ना इनको तो कुछ ज्यादा ही लगती है ना, जितनी सर्दी होती है उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको सर्दी लगती है। प्यारे लगकर भी आप इतना अकड़े हुए क्यों खड़े हुए? क्योंकि सर्दी लग रही है। मुझे नहीं लग रही, मैं हंस लिया। ओह हंस लिया, वरना अगर कैमरा नहीं होता तो ये जवाब देते हैं। जवाब तो बहुत देते हैं, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, माफ किया आपको मैंने। अब लोगों को कैसे सर्दी नहीं लगती? मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बात ही कंट्रोल करना आना चाहिए। ओहो जाएं जल्दी से जाके उसको बुलाएं, मुझे पिक्चर्स करें जल्दी। जी जी मैडम, जी जी मैडम। क्यों क्यों इससे मैं कुछ मिल रहा हूँ थोड़े यार। वहाँ पे खाली स्पेस था तो सैनर मैंने अपनी पिक्चर्स बनवा ली हैं, साथ में भी और सोलो सोलो भी। तो अब हमने कहा कि यार पहले से ही पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे, क्योंकि एंड में फिर रश हो जाता है, फिर यू नो सब कुछ उजड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई वहाँ पे एंट्री वगैरह हो रही थी, यहाँ पे हमने शूट वगैरह करवा लिया। अब हम आराम से इवेंट एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा अभी पैर भी मुड़ गया। मैं इतना ओवर एक्साइटेड होकर आई थी, मैंने आपको बात बताने में धड़क हफ्ता शेख की शादी में मैं गिर गई थी, और उस शादी में मैं गिर गई। कोई नहीं, क्या हो गया, आज उनको से पढ़ के फूट ले। वहाँ पे हुई है लड़के वालों की एंट्री। आज तो सर्दी ने इंतहा कर दी, मतलब इतनी सर्दी हो रही है, इतनी लिटरली ऐसा लगा मरी में हो रही है शादी। क्या कहती हैं भाई, मुझे देख के अंदाजा हो रहा है मेरा तो दांत बज रहे हैं। बहुत सर्दी लग रही है, इनफैक्ट मम्मा को भी बहुत सर्दी लग रही है। लोग सॉले भी पहने में फिर भी खाना लग चुका है गर्मा गर्म, हम जल्दी से खाना खाएंगे क्योंकि थोड़ी देर गर्म रहता है फिर ठंडा हो जाता है खाना, तो इसलिए खाना। गाइस एक बात है, सर्दियों में शादी करने का फायदा ये है कि मेकअप आपका टच से मस्त नहीं होता, मतलब इधर से उधर 1% आपका मेकअप खराब नहीं होता है, लेकिन सर्दी के मारे हालत बुरी हो जाती है, जो कि मेरी अभी हो चुकी है, और इतनी खतरनाक हो रही ना अभी हालत, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी मम्मा लोग जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है हम लोग आए हैं मरीज से और यहाँ पे हमने ही सर्दी कर दी। हालांकि वो बता रही इतनी सर्दी थी ही नहीं। गाइस अभी यहाँ पे जो है वो डांस स्टार्ट होने जा रहा है, पैकअप नहीं हुआ। गाइस अब यहाँ पे होने जा रहा है डांस, और सब ऐसे इकट्ठे होकर बैठ गए, तो ठंड कम लग रही है। आपको कम लग रही है ठंड? आपको तो बहुत ज्यादा लग रही है, शॉल पहने के तो ठंड कम ही लग रही है ना। क्या किया बता नहीं सकते, सॉरी गाइस। फ्रेम हसन खान इज आल्सो हियर एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द डांस।
जस्ट बैक होम, हीटर के आगे आके बैठ चुके हैं। इंतहा की सर्दी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं एक्सप्रेस करने के लिए कितनी ज़्यादा हमें सर्दी लग रही है। उफ, जिंदगी भर याद रहेगा।